हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापडीज। मैं अशोक, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस क्या है कल के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा फॉल आ गया, लगभग 250 पॉइंट के आसपास का फॉल आ गया आज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो पहला जो सपोर्ट है वो है आपका 20,980 पे। तो 20,980 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ चुका है अभी और उसके काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या क्या होने के चांसेस हैं। तो चलिए इस पे ही हम जो है आज गौर करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है अपस्टॉक्स प्रो और ये जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। अब आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस है वो हाईएस्ट गया था लगभग 21,300 के आसपास तक। ठीक है, 21,320 के आसपास तक हाईएस्ट गया और वहां तक जाने के बाद जो है फिर ये आज जो है काफी तेजी से नीचे की ओर आया और लगभग 250 पॉइंट का जो डाउनफॉल हुआ लगभग वो आज ही हो गया। बहुत तेजी से आज डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जब ये नीचे आ रहा था तो इसका जो पहला जो सपोर्ट था वो था ये लेवल। देखिए, ये जो लेवल था ये इसका पहले जो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था और ये जो प्राइस था ये था आपका लगभग 20,980 का। तो देखिए, यहाँ से पहले ये नीचे आया था, फिर एक बार नीचे आया था, तो ये जो लेवल था अब ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब ये जो सपोर्ट लेवल है ये यहाँ पे टूट गया है और टूट के जो है अब बैंक निफ्टी का प्राइस इसके नीचे आ गया है और फिलहाल जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर का अब मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20,845 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या होने के चांसेस हैं? तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 20,480 का। ठीक है, ये 20,480 का जो लेवल है यहाँ से देखिए ये जो है ऊपर की ओर गया था, तो अब जो है ये 20,480 जो है वापस बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर ये नीचे आता है तो इस लेवल पे अगर ये सस्टेन करता है, इस लेवल पे अगर ये रुकता है तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ से फिर इसके वापस ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। पर अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है और ये लेवल टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी के जो है और भी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो अब कल और आने वाले कुछ दिनों में आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि कल जो ओपनिंग होगी वो ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि कल गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है या नॉर्मल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो कल आप देखिए कि ये जो लेवल है 20,980 का फिलहाल जो है 20,845 पे है, तो कल देखिए कि ये 20,980 के ऊपर ट्रेड करेगा या 20,980 के नीचे। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो फिर इसके मैक्सिमम चांसेस बनेंगे कि ये वापस नीचे की ओर आए और 20,480 का जो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है इस सपोर्ट को चैलेंज करें। ठीक है, तो आप कल के लिए क्या कर सकते हैं? आप पहले तो ओपनिंग देखिए कि गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद 20,980 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर जो है इसके वापस ऊपर जाने के चांसेस हैं और वापस जो है 21,320 तक इसके जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और इस लेवल पे जाने के बाद एक बार और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और अगर रेजिस्टेंस नहीं लेता है और इसको तोड़ता है तो फिर जो है वापस अप ट्रेंड में ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस कल के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लीजिए। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें।